दोस्तों, जब रामायण जैसी कथा की बात आती है तो सारे लोगों के दिमाग में इसे लेकर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। जहां कुछ लोग तो बिल्कुल कट्टरता से इस पर विश्वास करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को समझदारी से देखने, परखने और समझने के बाद विश्वास करते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज के वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वो राम सेतु हो या भगवान हनुमान के अस्तित्व से जुड़ी हुई जानकारी, आज के वीडियो में यहाँ सब कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि रावण के महल से लेकर लक्ष्मण को सुंघाए जाने वाली जड़ी बूटी तक के फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद या जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। संजीवनी बूटी, आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में जिसकी चर्चा इतिहास काल से चली आ रही है। आपने बिल्कुल सही समझा, हम संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसे लक्ष्मण जी को सुंघाया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर लक्ष्मण जी ने इस जड़ी बूटी को सूंघा था, वहां पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में उस तरह की जड़ी बूटी नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में ही पाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटी का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर ये घटना घट चुकी है, वरना भारत के नॉर्थ में पाई जाने वाली बूटियाँ इसके बिल्कुल साउथ में कैसे पाई जा सकती है। कोबरा हुड केव श्रीलंका। अब आइए बात करते हैं उस गुफा के बारे में जिसमें माता सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें रखा था। हम ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पुरातत्व विभाग वाले कह रहे हैं। उस गुफा की जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर नेचुरली तैयार हुआ है, इसमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं है। रामायण की कथा में भी इसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि सीता माता को असुरों ने अगवा करने के बाद यहीं पर रखा था, और इस चीज की पुष्टि करने के लिए यहां बनी तस्वीरों पर आप नजर डाल सकते हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी हैं जो कई हजारों साल पुरानी हैं। ये तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा से हमें ये साफ पता चलता है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, जिस वजह से रावण का महल जलकर खाक हो गया था। पर इससे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि लंका के जलने के अवशेष अभी भी वहां पर हैं। असल में शोधकर्ताओं की जांच के बाद ये पता चला है कि यहां की मिट्टी काली पड़ चुकी है, और ये हाल पूरी श्रीलंका का नहीं है बल्कि उस जगह का है जहां पर रावण का महल था। बाकी आसपास के इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और यही सब चीजें हैं जो वैज्ञानिकों को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। राम सेतु। दोस्तों, हम सभी को पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिक काफी खोजबीन करने में लगे रहते हैं। पर अगर हम रामायण की कथा की बात करें तो इसमें राम सेतु के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। रामायण की कथाओं के अनुसार ये सेतु वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था, और इसमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि अब राम सेतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गूगल मैप से देखा जाए तो हम और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम इस राम सेतु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च की, और उसके बाद ये बताया कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर काफी खास किस्म की धातु से बना है, जो कि आज से हजारों साल पुराना है। पानी में तैरने वाले पत्थर। जैसा कि हमने आपको बताया कि राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसके पत्थर विशालकाय होने के बावजूद भी पानी में नहीं डूबते हैं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहते हैं। हालांकि सुनामी के बाद इन पत्थरों में से कुछ तैरते हुए जमीन पर आ गए थे, पर शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को दोबारा पानी में फेंका तो ये फिर से तैरने लगे, जबकि वहां मौजूद दूसरे पत्थरों को अगर पानी में डाला जाए तो वो तुरंत डूब जाते हैं। अगर साइंटिफिक तौर पर बात की जाए तो इन पत्थरों में ऐसे कई मटेरियल्स मौजूद हैं जो इस तरह की विशेषता को रखते हैं, और उन्हें पानी में डाला जाए तो वो डूबेंगे नहीं। यहाँ इससे बड़ा सवाल ये भी आता है कि लोगों को आज से हजारों साल पहले इस तरह का आइडिया कैसे आया कि उन पत्थरों का इस्तेमाल करें जो पानी में नहीं डूबते, और उन्हें इस तरह के पत्थरों के बारे में पता कैसे चला।
आपको क्या लगता है दोस्तों, राम सेतु के बनने की कहानी सच है या फिर आप भी साइंटिफिक चीजों पर विश्वास करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। टस्क हाथी। दोस्तों, रामायण के एक अध्याय में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें हनुमान जी ने चारों खाने चित कर दिया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुरातत्व विभाग के लोगों को श्रीलंका में इसी तरह के हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिनका आकार आज के समय में पाए जाने वाले नॉर्मल हाथियों से काफी बड़ा है। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता रावण के महल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि ये जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है और इस समय इस जगह को हकगाला बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर सीता माता को रखा गया था उस जगह को सीता एलैया कहा जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इन सब चीजों का कोई इतिहास ना होता तो भला श्रीलंका के लोग आज भी इस जगह को माता सीता के नाम से क्यों पुकारते? हनुमान जी के पैरों के निशान। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान सीता माता की खोज में निकले तो उन्होंने भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक लंबी सी छलांग मारी थी। जब भगवान हनुमान ने छलांग मारते हुए उन पत्थरों पर अपने पैर रखे तो उन पत्थरों के ऊपर उनके पैरों के निशान बन गए थे, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने इस जगह की पुष्टि करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये चिन्ह आज के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था तो उनकी जान जाने वाली थी। तभी हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का निश्चय किया और वो द्रोणागिरी पर्वत लेने चले गए। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, इसलिए वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। अब जब युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी ने उस पर्वत को वहीं वापस ले जाकर रख दिया। कहा जाता है कि अगर आज भी उस पर्वत को देखा जाए तो उसमें आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोग इस पर्वत की पूजा करते हैं। अग्नि परीक्षा। आप रामायण के बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि जब सीता माता को रावण से बचाने के बाद भगवान राम ने उनसे उनकी पवित्रता साबित करने के लिए कहा तो उन्हें आग से गुजरना पड़ा था। इसे अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया था। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। और आज भी यहाँ के लोग ना सिर्फ इस पेड़ की पूजा करते हैं बल्कि इस पेड़ के नीचे आकर कई सारे अहम फैसले भी लेते हैं। रावण का महल। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। इस महल में कई सारे गुप्त रास्ते हैं जिन्हें देखने पर पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए होंगे, पर ये गुफाएं बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं जो हमें इंसानों के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हनुमानगढ़ी। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर भगवान हनुमान ने श्री राम जी का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसीलिए अयोध्या में जो कोई भी जाता है वो हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करने जाता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट कर आए थे तब हनुमान जी यहीं पर रहते थे। यही कारण है कि यहां का नाम हनुमान नगर है। अयोध्या के पास आज भी इस जगह पर आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। रामलिंगम। अब बात करते हैं उस शिवलिंग की जिसे भगवान राम ने खुद बनाया था। रामायण की कथा के अनुसार रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा था क्योंकि उनके हाथों से एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। दोस्तों, रावण एक ब्राह्मण था, ये बात आप लोगों में से पहले से कौन कौन जानता था हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें चार शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग तो सीता जी ने बनाया जो कि रेत से बनाया गया था, दो शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया जो कि आज भी आपको उस मंदिर में देखने को मिलेगा। पंचवटी। जब भगवान राम को वनवास मिला था तो उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक एक लंबी यात्रा की थी और नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ
कुछ दिनों तक कुटिया बनाकर रुके थे और यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा की नाक काटी थी। तो दोस्तों हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है, रामायण सच है या नहीं, क्योंकि आप माने या ना माने लेकिन साइंस भी अब तो धीरे धीरे रामायण के होने के प्रूफ देने लगी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।